आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुरादाबाद के गांव बरवारा मजरा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 7 किलोमीटर तो ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 6500 वोट और 20,000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर श्रीमती फिरदौस जहां संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। बताते चलें कि ग्राम प्रधान ने दोनों ही समुदाय के धार्मिक स्थल पर भी अच्छे कार्य किए हैं। इन कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। वहीं प्रधानपति मोहम्मद अकरम का कहना है कि यदि मैं दूसरी बार प्रधान चुना जाता हूं तो इस गांव को स्मार्ट गांव बनाने का काम करूंगा। ग्राम प्रधान फिरदौस जहां और सचिव मनोज कुमार के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों का सौंदर्यकरण और सड़कों का काफी निर्माण यहाँ कराया गया है। इन 4 वर्षों में किस तरह से गाँव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधानपति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुरादाबाद के बरवारा मंजरा ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है। आगे की पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं ग्राम प्रधानपति के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल यहाँ आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं और लगभग काफी लंबे समय से संघर्ष करने के बाद आप यहाँ इस पद पर कार्यरत हैं। कितना विकास, क्या क्या विकास कार्य आपने अपने गांव में अब तक करवाए हैं? हमने इतना विकास कराया है, इससे पूर्व जो भी प्रधान रहे हैं उनसे कम से कम 75% दुगना हमने कार्य करा दिया। और हमने हिंदुओं का या मुस्लिमों का भेदभाव कोई नहीं करा। जिस तरीके से हमने मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर एक रास्ता बनवाया है और जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए एक हमने टाइल्स लगवाई है, उसी प्रकार हमने हिंदुओं के मंदिर में टैल्स का कार्य कराया है। और उसी प्रकार उनका एक शमशान घाट था जी। उसमें हमने मिट्टी का भराव कार्य कराया है जी। और लगभग हमने 150 रास्ते जो गांव के बहुत ज़्यादा खराब रास्ते थे वो सभी तरीके से उन्हें सबको बना दिया गया है। RCC या CC टाइल्स कार्य सब टाइल्स द्वारा बनाया गया है जी। और अब भी हम और इस आशा में लगातार आपकी जो है कोशिशें अभी जारी हैं। जारी जो है। कुछ भी काम यहाँ पर बचा हुआ है अभी सड़कों का या किसी और चीज का विकास में वो आप अब इस बचे हुए समय में पूरा करेंगे? पूरा करने की उम्मीद है। अभी 15 रास्ते और खराब हैं। अगर सरकार से किस्त आती है तो हम इन 15 रास्तों को भी बहुत जल्द बनवाएंगे जी। और ऊपर वाले ने अगर हमें दोबारा प्रधान बनाया तो लगभग 40 रास्ते गाँव के खराब हैं, 40 रास्ते हम वो कराएंगे। उसके बाद तो खंभों के ऊपर लाइटें लगवाएंगे, स्ट्रीट लाइटें, और गांव के अंदर कूड़ेदान लगवाए जाएंगे। गांव के अंदर एक शादी हॉल बनवाएंगे जिसमें कोई भी गरीब व्यक्ति अपनी लड़के या लड़की की शादी फ्री कर सकता है। हम कार्य कराएंगे और आने वाले समय में सफाई को लेकर एक कर्मचारी हमें हमारे गाँव को दिया गया है। हमने अपनी ग्राम निधि से एक कर्मचारी अपने पास से चलवा रहे हैं उसे। इसी अगर ऊपर वाले ने हमें दोबारा बनाया तो हम कम से कम 5-6 कर्मचारी अगली प्रधानी में रखेंगे और गांव के अंदर सफाई के वाहन भी लगवाए जाएंगे। सफाई के लिए, कचरे के लिए जो गाड़ियां जगह जगह चली हुई हैं वो आपकी कोशिश रहेगी कि आपकी ग्राम पंचायत में भी यहां सरकार की तरफ से मुहैया हो जाए जी। हम खड़े होकर सफाई कराते हैं गांव के अंदर जी। हम अपने आप को प्रधान समझते ही नहीं कि हम प्रधान हैं जी। हम तो ऐसे काम कराते हैं जैसे हम जनता के सेवक हैं। ODF हो गई ग्राम पंचायत जी जी। आवास मिले हैं यहाँ? आवास हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 3 आवास मिले हैं जो 2011 का सर्वे है। उसके बाद में 25-26 नाम और हमने चयनित करे हैं। अब सरकार का बजट आएगा, सरकार का पैसा आएगा तो उन्हें भी हम बनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या काम कर रहे हैं? स्कूल के अंदर हमने बच्चों के बैठने की व्यवस्था कराई है। जिस तरीके से पहले बच्चे टाट पट्टी पर नीचे बैठते थे, हमने उसे जो है कुर्सी और मेज बच्चों के लिए कराई, फर्नीचर लगवाया गया है। और बच्चों की लैट शौचालय की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से, बच्चे के पानी पीने का एक हमने जो है पियाव लगवाया है। और भी हम स्कूल के अंदर बहुत कुछ करने जा रहे हैं जी। मतलब आपकी जो है लगातार कोशिशें जारी हैं, ज्यादा से ज्यादा विकास यहाँ पर, स्कूल, सड़कें, नाली, लोगों को हर तरह से ज्यादा से ज्यादा विकास देने की आपकी पूरी कोशिश जी। अब जिस तरीके से गाँव के अंदर गाँव के अंदर नालों की बहुत बड़ी समस्या है। एक गांव के अंदर बीच गांव के अंदर एक नाला पड़ता है, उसके अंदर लोग कचरा कूड़ा डाल देते हैं जिससे पीछे का पानी रुक जाता है। उस नाले को कम से कम 20 लाख रुपए का वो बनेगा, लेकिन हमसे इस प्रधानी में नहीं हो पा रहा। सबसे बुरी समस्या उसकी नाले की है जिस वजह से वो सड़क जो है डूब जाती है, पीछे से बैग पानी मारता है। और इसी प्रकार रामपुर द्राय पर जो
कुंडे की साइड में कोई नाले जा रहे हैं, ये नाले बनवाने की जरूरत है। बनाने के लिए सरकार से क्या प्रमुख मांग आप रखना चाहेंगे? सरकार से यही चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा हमें बजट दिया जाए इस बार, और हमें एक आध किस्त और मिल जाती है तो हम जो हमारा बचा हुआ काम है यही पूरा करा लेंगे हम। और बिजली को लेकर हमने 60 ट्रांसफार्मर लगवाए गांव के अंदर, 4 ट्रांसफार्मर अपनी अपनी अपने पास से लगवाए हमने, और 3 ट्रांसफार्मर सौभाग्य योजना द्वारा जो सरकार ने चलाई थी मुहिम उस द्वारा लगवाए गए हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर आज गांव के अंदर एक भी नहीं फूक रहा है। इससे पहले गांव के अंदर चंदे होते थे और चंदे 15-15 दिन में ट्रांसफार्मर आता था। लोग अपने घरों के अंदर कमरों में नहीं सोते थे, गर्मियों में छतों के ऊपर जाके वो लोग सोते थे। ट्रांसफार्मर फूकने की जो है शिकायत आती रहती है, आज कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं फूक रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि हर मोहल्ले का अलग ट्रांसफार्मर करा दिया हमने। आपने ट्रांसफार्मर की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी। कम हो गया तो ये समस्या दूर हुई। जो ट्रांसफार्मर 100 का था हमने उसे 250 का करवा दिया। जी जी। जहाँ पे बिल्कुल नहीं था उसे हमने नया रखवा दिया। अब जैसे कि यहाँ पर बारात घर पंचायत भवन बना हुआ है, नहीं तो आगे आपकी कोशिश रहेगी कि सरकार पंचायत घर जो है यहाँ पर धनराशि जो है उपलब्ध कराए, या फिर सरकार अपनी तरफ से आपको ये मदद दे कि बारात घर पंचायत घर यहाँ पर निर्माण किया जा सके? ये मदद सरकार दे तो हम तो तैयार हैं। जी। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा यही कहना चाहेंगे, अगर ऊपर वाले ने हमें दोबारा से इस सत्ता में भेजा या दोबारा से हम प्रधान बने तो जितना हमने इन 4 सालों में काम किया है हम इससे दुगना काम करके दिखाएंगे। ये हम अपने विश्वास के, अगर हम पब्लिक को विश्वास है कि हमने जो जनता के बीच हमने वादा करा था कि हम जो है हमें एक चांस दे दो, हम आपके नजरों आपके विश्वास में खरा उतरेंगे, तो हमने वो काम हमने उनके नजरों में करके दिखा दिया। अब ये वादों पर आप पूरे खरे उतरे? हम अपने वादों पर पूरे खरे उतरे, जितना हमसे हो सका हमने वो करके दिखाया, हमने झूठा वादा कोई नहीं करा। जनता यदि आपको एक बार फिर से यहाँ चुनती है तो आप रही बची उनकी जो जरूरतें हैं, समस्याएं हैं, उनको पूरा करेंगे? ये 5 साल में नहीं, ये 10 साल में गांव सुधरेगा। इस गांव को सुधारने का हमारा हमने बीड़ा उठा रखा है। इस गांव को जो है हम बदलने का प्लान बना रहे हैं, इसे मुरादाबाद शहर से मिलाने का प्लान बना रहे हैं इसे। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, ODF ग्राम पंचायत हो चुकी है, आवाज भी कुछ लोगों को मिले हैं। एक जो बहुत ही काबिले तारीफ यहाँ ग्राम प्रधान ने काम किया है, जैसा कि हिंदू मुस्लिम समाज सांप्रदायिकता का भेदभाव अपने मन में न रखते हुए सभी समाज वर्गों के लिए बराबर काम करते हुए मंदिर और शमशान घाट और कब्रिस्तान सभी में बराबर इन्होंने विकास कार्य किए हैं। इसके अलावा प्रधान पद पर कार्यरत न होते हुए भी यहाँ गाँव वासियों की इन्होंने काफी मदद अपने स्तर पर करते चले आए हैं, जिसकी वजह से गाँव की जनता ने इन्हें यहाँ प्रधान पद पर कार्यरत किया है। आगे भी उम्मीद है कि यदि इनके विकास कार्य इसी तरह से प्रगति पर चलते रहेंगे और जनता इनका सहयोग करेगी तो अगली बार भी प्रधान पद पर ये कार्यरत रहेंगे। इसके अलावा यहाँ कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि बारात घर पंचायत भवन यहाँ पर निर्मित नहीं है। प्रधान की मांग है यदि सरकार मदद करती है और पर्याप्त मात्रा में धनराशि मुहैया कराती है तो वो यहाँ पर इनका निर्माण कराएंगे। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से। क्या नाम है आपका? राम अवतार। राम अवतार जी, ये बताइए यहाँ 4 बर्थों में विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? हम विकास को लेकर ये कहना चाहेंगे साहब, जब से हमारे प्रधान जी आए हैं तब से हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है और ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी, ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा, हर जगह जो है सड़कें भी दिखा दी हैं और बिजली की बहुत अच्छी सुविधा हमारे यहाँ पर। अच्छा, यानी बिजली के ट्रांसफार्मर लगवाए हैं प्रधान जी ने और हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर है हमारा, मंदिर में बहुत अच्छी मरम्मत करा दी है, ईंटें भिजवा दी हैं और बहुत अच्छा चमक बिल्कुल बढ़िया कर दिया। कब्रिस्तान ऐसी क्या कहते हैं, हमारे कब्रिस्तान है, शमशान घाट पे मिट्टी डलवाई है, वहाँ सब बढ़िया कर दिया है। प्रधान जी का कार्यकाल से खुश हो? हम बहुत खुश हैं जी। क्या नाम है आपका? ताहिर हाजी। जी हाजी, ये बताइए यहाँ विकास को लेकर क्या क्या हो गए? यहाँ पे सभी काम हुआ है, रास्ते बहुत बुरे थे, सब रास्ते बढ़िया हो गए। बिजली की बहुत परेशानी थी यहाँ पे, ट्रांसफार्म आए दिन फूकते रहे हैं, चंदे कर करके ट्रांसफार्म रखे जाया करे, अब सब 250 के ट्रांसफार्म हर मोहल्ले का, हर जिस रास्ते पर आप खड़े हो उस रास्ते की क्या हालत थी पहले? बहुत बुरी हालात थी इसकी, निकलना ही बंद हो गया हमारा इधर का। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें रात को इधर का जाने बंद कर दिया, दिन में भी नहीं जाया करे, नमाज क्यों जाया करे, उधर से घूम के जाया करे दूसरी तरफ। मतलब विकास कार्य से प्रधान जी के संतुष्ट हो? हाँ। बच्चे माँ बाप। क्या नाम है? रंजीत।
रंजीत जी बताइए, ये जो रास्ता के बारे में क्या कहना चाहोगे इसके? बिल्कुल रास्ता पहला खराब था, गड्ढा तो कह रहे गड्ढे यहाँ पे प्रधान जी से कराया बिल्कुल, ये बिल्कुल बढ़िया, आप कोई शिकायत नहीं है प्रधान जी से। अच्छा, पूरे मोहल्ले के इन्होंने सब काम बिल्कुल रेडी करवा दिए। प्रधान जी कार्य से खुश हो? बिल्कुल खुश है, टंकियाँ भी लग गई। क्या नाम है तुम्हारा? बीरवाला। बीरवाला जी ये बताइए, यहाँ प्रधान जी द्वारा क्या क्या काम कराया गया? अब ये मंदिर की टहले भी लगवाई, मट्टी भी डलवाई जी, और कब्र स्थानों में भी मट्टी डलवाई, और कब्र स्थानों में रास्ते में भी सब फरंजा सब इन्होंने डलवाए गांव के। ठीक, बढ़िया काम करा रहे हैं ये, सारे गांव की सुरक्षित इन्होंने सही कराई। बिजली और बिजली के बारे में भी सब ट्रांसफार्म इन्होंने बहुत बढ़िया बत्ती दिवा रहे हैं। प्रधान जी के काम से आप खुश हो? बहुत बहुत खुश हो? बहुत खुश है।